अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करना सारे भैन भ्रा ठीक ठाक होसो। अज नी वीडियो ने करने आगाज तुसांगी जैसा कि पता है कि डडियाल ने अजकल क्या सूरत हाल चली रही है। 9 तारीख अवाम और पुलिस ने दरमियान लड़ाई हुई है, जिसने नतीजे की काफ़ी सारे पुलिस एहलकार जख्मी हुए और अवाम ही काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुई है। उसके बाद 10 तारीख ही सत रहा, 11 तारीख कल आने से पता हो सी कि मुजफ्फराबाद ने अंदर काफ़ी ज़्यादा कल हालात खराब रहे, डडियाल फिर कल कुछ बेहतर हालात। और कल डडियाल से काफिला गया है मुजफ्फराबाद की तरफ निकलिया और रात अस सुनया कि वह नार ने मुकाम पर पहुंच गया सा। अज तुम सूरत हाल दसने चलने हैं कि अज इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद हुई है पूरे डडियाल ने अंदर। मैंने तो सुनया कि पूरे कश्मीर ने अंदर बंद है। अगर चली तो अज अस तुम्हें दसा कि अज अस ने डडियाल बाजार ने क्या सूरत हाल है, बाजार खुलिया हुआ या कौन खुलिया हुआ। असों को फिलहाल जी रिपोर्ट है उसने मुताबिक तो सुनया कि पूरे कश्मीर की बाजार वगैरह सारा कुछ बंद आ। अगर चली तो ना सौ की इस हवाले में मजीद मालूमात भी देने रहा और सौंकी दसने रहा। काफ़ी सारे दोस्त अखबाब और काफ़ी सारे असें तकने पुछी रहे सके तो कवरेज कौन दी रहे, असली कुछ मसरूफियत इस तरह ने सी सौंकी। मैं इंशाल्लाह अगले दिन की जो ब्लाग है सुन उसने अंदर मैं दसा कि इस तरह ने मसरूफियत सी जिसने वजह से मैं कवरेज पहले ना दे सकिया। एक और चीज़ मैं इतने ऐड करना चाहना कि सुनया कि वजीर आजम अनवर हक साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दसिया कि अस अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने मुजाकरात करना चाहते हैं और सुनया कि कुछ मुतालबात मन्ने ने। अगर चली तो इस हवाले की मजीद मालूम दसा हूँ आई जो चलने हैं और अगर चली तो असं बाजारों ने सूरत हाल दसने और ना गलत बात होनी। अस पहुंचे रोटे इतने इस साइड सब्जी की शॉप खुली हुई, इस साइड होटल भी खुला हुआ, इस साइड नर्सरी वगैरह खुली हुई। आज संडे है जिसमें भी ऐसी बैंक बंद था और बाकी इस साइड भी तक सुकरी उन्होंने शॉप ही भी खुली हुई और बाकी भी इस साइड दो दुकान चा बंद खुली हुई है। इस साइड सब्जी की शॉप खुली हुई, इधर ज़्यादातर शॉपा खुली हुआ तकरीबन बीच बीच कुछ है जो बंद हैं। इस साइड तक ने सो रंगा ने शॉप हुई है और पेट्रोल ने हुई है, आइया ने हुई है, साड़ियाँ खुली हुई हैं तक ने सो वहाँ मंजा खोली नहीं है राह पर पिनिया भी हैं, कोई हालत नहीं। हम तो कोई मोरे जानिया हो ना कोई मोटरसाइकिल आई जाए या गड्डी आई जाए एक्सीडेंट हो सकना। अस आई गए प्लॉटा इधर तक दो शापा खुली हुई हूँ अगर डडियाल मेन बाजार ना कोई पता उधर क्या सूरत आ रही उधर भी अस जुसा उधर जुड़ी तो दसा इस साइड समोनी स्टोर ही खुला हुआ जितनी भी शापा हुई तकरीबन इधर पूरा बाजार खुला हुआ। पूरा बाजार तकरीबन खुला हुआ है। असा है कि हाँ डडियाल की चेहरी कोल है, अगर चल सौ मेन बाजार की उतर जुड़ी थे तकने क्या सूरत आई है। और राती में जिस तरह दसिया कि जी डडियाल सी रैली गई है काफिला जरा डडियाल सी गया है और राती नार पहुंच गया सा, इसलिए उन्होंने को नहीं पता कि इसलिए वह कुत्ता पहुंचे कि इंटरनेट सर्विस सारा बंद की उन्हें। अगर चल सौ डडियाल डडियाल जुड़ी थे जो बंदे उस काफले नाल कॉन्टैक्ट किए उन्होंने को पूछा कि काफला कुत्ता पहुंचा। अगर चली तो उसकी दसा अवाम कुत्ता पहुंची और बाकी मैं तुम्हें जिस तरह दसिया वीडियो ने स्टार्ट की कि सुनया कि कुछ मुतालबात मनी देने इसने बारे भी तक सा कि इसने अंदर कितनी सदाकत है वाकई मनी देने या कुन्ने मनिया वैसे अफवाहियाँ। अगर चली तो सारा कुछ सुनिए दसा अजय हूँ चलने अगर नाल तुम दसने रहने जाएंगे अस मेन बाजार साइड और जिसने मैं तुम्हें दसा कि अगर चली तक किसी बंद को पूछता तुम दसने चलने कि सिर्फ इंटरनेट सर्विस बंद है वैसे सिंपल कॉल नहीं सर्विस आई है बंद। इस एक्सपर्ट की शॉप है खुली हुई और बाकी इस साइड की शॉपा खुली हुई आई है। तकने एजेंसी खुली हुई है बंद ही एजेंसी ने एक शटर सिर्फ खुला हुआ बाकी शटर बंद है सारे बाकी साइड फ्रेंचाइजा बंद डलनार और जामनी और बाकी साइड कुछ शॉपें बंद
इधर तो कुछ कुछ शापा खुल गया, कुछ कुछ बंद गया। इस साइड क्या है, लेन सारी बंद ही। पीके स्पोर्ट ली शॉप खुली हुई, चेक करो। और बाकी साइड बिरयानी वाली शॉप खुली हुई और बाकी साइड भी ज्यादातर शॉपा बंद हैं। बीच बीच शॉपा खुली हुआ, बीच बीच बंद हैं। हमारे अंदाजे मुताबिक ज्यादातर दुकाना बंद हैं, कुछ कुछ बीच बीच खुली हुई है, लेकिन इधर सारा बाजार बंद ही। अगर चलने अगर तकने के चौक आई साइड उधर क्या सूरत आई है, उधर भी सारिया दुकान बंद हैं, खुली हुआ क्या सूरत आई। फ्रेश बे खुली हुई आज, इस अगर फ्रेश बेकलू अस थोड़ी जगह निकलते हैं। इतना भी ये दुकान खुली हुई है, बाकी और दुकान बंद ही तकरीबन। वन वे को अस पहुंची आए हैं, तकने सो वन वे जो पाए से इन्होंने बट्टे बाहर निकले हुए। उस दिन मुजाहरीन ने बट्टे कटे, 9 तारीख पुलिस नाल जिला लड़ाई हुई है, उस दौरान इन्हें बट्टे इतों कटी थे, पुलिस ले मारे से। और बाकी इस साइड दुकानों बंद गया, इस साइड पूरा प्लाजा है बंदा, इस तरह ये प्लाजा भी तकरीबन पूरा बंद गया। इस तरह इस साइड तक नहीं उसो सिर्फ इतने दो शापें खुली हुई, बाकी ये पूरे पूरे प्लाजे बंद। इस साइड तक ने सो नारकली है पूरी बंदी, अस जिसा नीचे नारकली गई उधर तक दरमियानी साइड उधर क्या उस तारे। इस तरह इस साइड तक ने सो भी सारिया शापा बंदियां, सिर्फ बर्गर समोसे वाली शॉप खुली हुई, बाकी इधर ही बंदी है। अस पहुंचे हैं जी चौक ने अंदर, 9 तारीख है। इस जगह एसडीएम साहब ने गड्डी ने जलाई है, मुजाहरीन और इस सारे बट्टे खटे हुए पे हुए। इसलिए चौक ने अंदर अवाम कौन ही है, फिर मैं दसा जिस तरह के काफिला तो निकली गया, काफिले ने नाल अवाम की ठीक है। इस सारे कोई 4-5 बंदे जुलने हूँ थले अस अनारकली की, इस साइड चुले होटल आई गली चुले होने होने जिसमें ठीक है नारकली जी। इधर इतने नाल सुरताल दसी ने कि इधर क्या हुई सुरताल है, क्या है जी ठीक है। इस साइड होटल खुले हुए जी, नारकली ने अंदर तक नहीं सो, और नारकली ने अंदर इस टाइम तक तो असें सारिया दुकान बंद नजर आ रही, एक ऊपर एक शॉप खुली भी नजर आ रही है पर साड़ियाँ नहीं, बाकी इस साइड एक कपड़े ने सिर्फ शॉप खुली भी, बाकी इस साइड पूरा बाजार बंद। दसा कि डरियाल तकरीबन ज्यादातर बंद ही, कुछ कुछ शापा खुली हुई जिन्हें बंद की नहीं है पता, वो अमीर एक्शन कमेटी तरफ कॉल लिखे अज इतों बाजार बंद रखो। असल तो जी मनमाज नहीं है बंद दस कि राती
ਉਹਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡੀਆਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰਵਲਾ ਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਗਿਆ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਪਲੰਦਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਅਜੀਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਰਾਲਖਲ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਕਿਸਮ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰੋਕਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਰੋਕਣੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੱਸੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖੂਬ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਅਗਰ ਮਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਭਰਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਮਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਏ ਦੁਆਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾਦ ਮਰਵਾ ਦੇਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਪਾਈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਹ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਪਾਏ ਤੱਕੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਤੈਅ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਕੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਸਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਆਸਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਗਰ ਮੰਨਣੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਮੰਨੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਯਮ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨਣ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬੰਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਅਸਾਂ ਬੇਰ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।